युवा का ड्राई वॉश ओ करवा लिया उसको। तुम्हारी एनिवर्सरी है। घर में पार्टी है तो बच्चे को तो नए कपड़ा होने चाहिए। मतलब तुम तो कोई लाओ मत है इन बालों बेचारे छोटी छोटी अगर बाहर भी जा रहे तो इनके नए कपड़ा तो इनको नए कपड़ा यूं लाऊं हूं कि बालक ऐसी कर लाए ना बड़े हुआ तो मैंने संभाल के पहने। व्हाइट जीन्स जब जब लाई तुम्हारी एनिवर्सरी पे वो व्हाइट जीन्स अंतर रंग लग गए। अब उन्हें थोड़ी पहना हम गंदी में ये वाली लाई इनको जैसे भैया बालक इनको तो एक एक तो बालक है। अब इनको कपड़ा नहीं लाएंगे तो आप इसको लाएंगे देखिए कैसे लग रहे अच्छे लग रहे हैं अच्छी ना ये लगे थोड़ी सी और बड़ी तेरे याद आती मैं अगले साल भी आएंगे इनके मम्मी के मास्क आए मास्क मंगाए गए इनके मास्क लिए अगले साल तक क्या फिर इनके छोटे जा ऐसा कहना ना नहीं ये पिछले साल वाली जो मैं लाई थी बड़ी लास्ट में जो भी सही आ गए उन्होंने पहने जो ऑक्सीजन में लाई ये भी 50% में मिल गया। करना पड़ा भैया बाल कंकु तो अपने आप तो बन के चल लो हीरोइन बाल करने पुराने कपड़े दिखाई तो निकाल दे एक जैसे इन तक दुनिया भर के जब पूरी सर्दी तुमने धोए है ना लाला का ढेर लगाया होगा उनमें कहीं घुसे पड़े हैं मेरे में तो ना ऊपर यहाँ पड़े हम बताने वे लाइन ना वादिन जब इनके साथ गई जो टी शर्ट या कॉटन टी शर्ट दिलवा दी कॉटन की हाफ स्लीव वाली तो अब गर्मी की आ गई। हाँ अभी तो अब ना अब गर्मी की तो पहन सकते जो नई रखी उन्हें तो हमारी लाइन है। तो हमने चाय वाय पी ली और फाइनली अब टाइम आ गया रेडी होने का। तो हमारी ब्राइड अब हो जा रही है तैयार होने पार्लर मैं अपना रेड लहंगा पहन रही हूँ आज मरून लहंगा पहन रही हूँ मैं आज ब्राइडल ना मैं शादी में तेरा पिंक पहना शादी में पिंक पहना जब मेरा फेवरेट कलर पिंक है मैं हर चीज पिंक 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 रह रही पिंक है अब भी फेवरेट है पर अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ एक्सपेरिमेंट कर लूँ अपने लुक के साथ। तू वही लहंगा पहन ले लहंगा तो जाएगा ब्लाउज ना आएगा जब हमारी शादी कैसे लहंगा चलेगा पेटीकोट से कैन नेट के लहंगा। तो अभी हम दिखाएंगे आपको रेडी होगा अब रेडी होने की वीडियो तो ये खुद ही बनाएगी अपने चैनल पे मैं जो रेडी होंगे मैं दिखा दूंगी थोड़ी बहुत और रेडी होकर आ गए पूरी पूरी पार्टी की जो वीडियो वो मिलेगी इसके चैनल पे मेरे चैनल पे से मिलेगी मेरी मेकअप की मेकअप लुक की वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अब पार्टी में आगे रेडी होके। तो अब चलते हैं ऊपर उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने स्किन पे अप्लाई सनस्क्रीन लोशन। आपको पता ही है धूप सर्दियों की धूप भी उतनी ही डेंजरस है जितनी की गर्मियों की उससे ज़्यादा क्योंकि धूप में बैठते हैं हम बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और यूवी रेज वगैरह इन सब से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए ही होती है। अब हम जाके धूप में बैठेंगे तो हमारी स्किन पर डेड स्किन हो जाती है आप देखते हैं कितने ज़्यादा ये अनइवन स्किन हो जाती है। तो जब भी धूप में बैठे ज़रूर सनस्क्रीन अप्लाई कर दें। आपने देखा होगा मैं हमेशा सनस्क्रीन हमेशा ही अप्लाई करती हूँ गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। तो आज मैं अप्लाई कर रही हूँ मामा अर्थ की सनस्क्रीन और इसके बारे में आगे आपको बताती हूँ। ये है मामा अर्थ की एक्वा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल। इसमें है SPF 50 और PA++++। ये आपको UVA UVB दोनों से ही प्रोटेक्शन देती है साथ में ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन देगी। ब्लू लाइट्स वो होती है जो हमारे गैजेट से निकलती है जैसे फ़ोन TV लैपटॉप जो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं उससे भी प्रोटेक्शन करती है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हिमालयन थर्मल वाटर। थर्मल वाटर फुल ऑफ कैल्शियम मिनरल पोटेशियम मैग्नीशियम है जो हेल्दी स्किन को प्रमोट करते हैं हेल्दी स्किन रखता है। साथ में हाइलोनिक एसिड है जो काफ़ी लंबे समय तक वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें है एलोवेरा जेल जिसमें है विटामिन ए विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और उसकी स्मूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है जैसे कि कैंडूला जिसमें है विटामिन ई और अमीनो एसिड जिनको स्किन प्रॉब्लम रहती है इरिटेशन की इचिनेस की और जिनको काफ़ी कुछ सूट नहीं करता स्किन पे तो उनके लिए कैंडूला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ऑल स्किन टाइप पे सूट करता है तो ये काफ़ी अच्छा है।
तो ये सनस्क्रीन मेनली सन फिल्टर के तौर पे यूज़ की जाती है, जो कि यूवी रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसका क्रीमी टेक्सचर है जो स्किन में क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। काफ़ी लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है, एकदम माइल्ड फ्रेगनेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेगनेंस नहीं है, है बट काफ़ी माइल्ड है। यह है मामा अर्थ का एक्वा ग्लो मॉइस्चराइजिंग जेल, जो आपके स्किन को 72 आवर्स तक हाइड्रेट रखता है। और इसमें भी है सेम हिमालयन थर्मल वाटर, हाइलोनिक एसिड, एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट। तो ये भी आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है, जो आपकी स्किन यूवी रेज वगैरह से डैमेज हो गई है उसको प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है काफ़ी लंबे समय तक। नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है, ऑल स्किन टाइप पे सूटेबल है और ये स्किन को प्लम्पी और फ्रेश बनाता है। तो ये रहे गाइस मामाअर्थ के प्रोडक्ट। आपको पता ही है मामाअर्थ के प्रोडक्ट है नेचुरल सेफ मेड, जो बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। इसमें कोई भी पैराबेन सिलिकॉन नहीं होता है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। आप इनको अपने डेली यूज़ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और बता दूँ मामाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है। ये नेचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप मामा अर्थ से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई भी छोटे से छोटे बड़े से बड़ा जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं आप वहाँ से परचेज करते हैं, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक वेबसाइट से, जहाँ आपके नाम से एक ट्री प्लांट होता है। तो आप वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च करा है, तो आपको मिल जाएगा वो ऐप, उसका लिंक मिल जाएगा। वो है iOS एंड Android यूजर्स के लिए, तो वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप से, मामा अर्थ के ऐप से, अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं और मेरा कूपन कोड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसको यूज़ करके वहाँ से कुछ भी परचेज करते हैं, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। तो ऐप के थ्रू आपको और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट्स आपको ऐप के अलावा अवेलेबल हैं Amazon, Nykaa, Flipkart, mamaearth.in पर। तो इन पे आपको इजीली ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें चेकआउट करो। जल्दी चलो, कहाँ जा रही है? पार्टी। चलो फिर, कभी खाना खत्म हो जाए। तो आज जा रहे हैं डिनर पे, फैमिली नहीं है आज और सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह हैं। जो जो हैं आप आगे देखना कौन कौन मिलेगा वहाँ पे। ना रद्द करो, हमने समोसे खा लिए, तुमने दोपहर से छोड़ दिया। उस दीदी वाली बात से वेरी सॉन कैंसिल पे, जैसी मैं पता चली पार्टी है जहाँ मेरा खाना बना, मेरे बीच में रोक दिया, मैं वहीं जा पाऊँ। चलो चलो चलो, किसी किसी का गुण मिला है। चलो तो हम लोग पहुंच गए अपने वेन्यू पे। वैसे तो घर के पास ही था पर ट्रैफिक इतना होता है, हम थोड़ी सी लेट हो गए, हमसे पहले पहुंच गए हैं बाकी और लोग भी, फ्रेंड्स वगैरह। तो आगे दिखाते हैं, वहाँ पे डिनर है और लाइव म्यूजिक वगैरह है, काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा काफ़ी। जो है आने स्टार्ट हो गए हमारे फ्रेंड्स और भाई भी आया है। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आई। मंगा रहे हैं।
ओके भाई भाजी, वैसे ये गाना पूरा ही प्यारा है लेकिन मुझे यहाँ से ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी सवारी तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं बाहर थोड़ी बहुत फोटो रील्स वगैरह बनाने के लिए। अरे भाई अंदर अंदर बैकग्राउंड बदलो, जहाँ बैकग्राउंड है ना वहाँ फोटो। लाई नए कपड़े जिसके पीछे हमारी लड़ाई हो रही थी, ऐसे ये इन कपड़ों को गंदे करते हैं हर जगह नीचे घूम घूम के। और हमारे बच्चे तो ऐसे ही कहीं भी चले जाएं अपना एंजॉय करते हैं, फुल खेलते कूदते हैं, डिसेंटली नहीं बैठते। तो अब यहाँ पे हो रही है केक कटिंग सेरेमनी और छोटा सा केक कट करेंगे और उसके बाद होगा डिनर। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दीदी आपकी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया आपने, आपने दी को क्या किया। दीदी ने भी मुझे कैश ही दिया था और मैंने भी दी को क्या, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है फिर हम खुद से ले लेंगे अपने आप ही, तो हम कैश ही दे देते हैं। अभी तो ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, जैसे कभी लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ तब हम एक दूसरे को वैसा कुछ गिफ्ट कर देते हैं। तू इधर आया नीचे से पूछा आगे जाना क्या काट लेगा जा, बड़े पापा के पास जा, बड़े मामा बड़े मामा के पास जा। राहुल बता दो, पहले मैं उधर से वीरेंद्र आता हूँ। Oh,
आजकल मेरा बड़ा फेवरेट गाना चल रहा है, तो सर हैप्पी बर्थडे आप दोनों के। चन दी चांदनी थल्ले बैठे, चन दी चांदनी थल्ले बैठे, दो गल्ला करिए प्यार दियां, आज गल्ला करिए, आज गल्ला करिए, आज गल्ला करिए प्यार दियां, आज गल्ला करिए।
ਬਲੋਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਜਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਨੀ ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਪਕੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਪਕੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਪਕੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਖੜ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ छोटा करके ना तेरा छोटा करके दिल ते लिखाई मुंडे माते में मुंडे अच नित खड़के गलासी तेरे नाते बड़े चेते दियो दोस्त गाने बड़े चेते हो गया सबका डिनर डांस वगैरह और अब जाएंगे घर। बस यही थी आज की पार्टी, जैसे भी सेलिब्रेशन हुआ तो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।